हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और हम साइकोलॉजी की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। बहुत कम टाइम में आपका ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है मैंने। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सारे मैंने वीडियो में डाले हैं, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। DSSSB 100 नंबर की साइकोलॉजी और पेडागोजी मिलकर आती है, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, KBS हुआ, CTET हुआ, STET हुआ, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हुआ, भर भर के साइकोलॉजी आती है। ठीक है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर वीडियो आपने सारी देख ली। प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन उठा के डाल दिए मैंने तो। और फिर बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे हम, कोई भी ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं है, रटना नहीं है, जीवन से जोड़ के पढ़ना है चीज़ों को। तो एक बार आपने वीडियो देख ली, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो हमारा पहला टॉपिक है साइकोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका हमारा जीवन में क्या उपयोग है, बच्चों को लिए इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। ठीक है, हम टीचर हैं, हमको और टॉपिक हैं उनको पढ़ा देंगे, पर हमें साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है, तो सब कुछ जानेंगे। तो साइकोलॉजी है क्या, बेसिकली साइकोलॉजी है क्या, हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को जान रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझ रहे हैं, यही साइकोलॉजी है। तो हम भाई छोटे बच्चे आएंगे आपके पास पढ़ने के लिए, अगर आपको यही नहीं पता कि बच्चे में कितनी कमी है, उसका लेवल कितना है, तो आप उसे किस तरीके से पढ़ाएंगे। भाई सब बच्चों का मेंटल लेवल अलग होता है, तो हम उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने में हमारी मदद करती है साइकोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुई है, आपने दर्शन शास्त्र फिलोसफी का नाम सुना होगा, तो पहले विद्वान थे फिलोसफी के। टाइम चेंज हुआ, लोगों को लगने लगा भाई ये तो पुरानी चीज़ हो गई, छोड़ो। फिर हमारे अरस्तु महोदय जी, प्लूटो महोदय जी ये आए, प्लूटो अरस्तु के गुरु थे, तो उन्होंने कहा भाई ये फिलोसफी वगैरह बेकार की चीज़ें हैं, ये तो मनोविज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, उन्होंने बोला आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु, आपने सिकंदर महान सुना होगा, सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु, तो अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान बोला मनोविज्ञान को। अब कहते हैं कि भाई मनोविज्ञान सबसे पहले किसने बोला, रुडोल्फ गोलकाय नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बुक लिखी साइकोलॉजिया 1590 में। ठीक है, तो साइकोलॉजिया बुक में उन्होंने सबसे पहले वर्णन किया साइकोलॉजी वर्ड का। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने यूज में लाया, तो वो थे रुडोल्फ गोलकाय। ठीक है, और पहली परिभाषा किसने दी आत्मा का विज्ञान, वो थे हमारे अरस्तु जी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, कोई ऐसी प्रेशर वाली बात नहीं है। ठीक है, टाइम चेंज हुआ, ये 16वीं शताब्दी है जो अरस्तु के टाइम की जो बात हो रही है, 16वीं शताब्दी में ये बात कही कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। उनके सहयोगी कौन थे, उनके गुरु प्लूटो। फिर टाइम चेंज हुआ, 17वीं शताब्दी आई, फिर साइकोलॉजिस्ट चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, चीज चेंज होती है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो पैंपोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक आए इटली के, उन्होंने कहा भाई ये आत्मा का विज्ञान कैसे हो जाएगा, आत्मा थोड़ी दिखती है, जो आत्मा का हम परीक्षण कर लेंगे कोई और उसका विज्ञान बना देंगे, नहीं ये गलत है। उन्होंने बोला ये मन और हमारे मस्तिष्क का विज्ञान है। तो ठीक है, अब आत्मा का विज्ञान गलत हो गया, मन मस्तिष्क का शुरू हो गया, तो ये पैंपोलॉजी ने शुरू किया। ठीक है, फिर 17वीं शताब्दी थी, उसके बाद चेंज हुआ 19वीं शताब्दी आई, तो आपने विलियम वुंड का नाम सुना होगा, एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका के थे, उन्होंने सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक की लैब खोली थी वो थे विलियम वुड, तो वो अमेरिका के थे। 1879 में लिम्पजिंक एक शहर है जर्मनी में, वहाँ पर उन्होंने एक लैब खोली थी। ठीक है, तो ये इसलिए पॉपुलर है। उसके बाद 21वीं शताब्दी आई, 21वीं शताब्दी में फिर भाई नए नए मनोवैज्ञानिक आए, उनमें आए सबसे पहले जेबी वाटसन, आपने नाम सुना, अब आगे आगे पढ़ेंगे सारे के एक एक मनोवैज्ञानिक के बारे में, एक एक डिटेल सारी मिलेगी आपको। ठीक है, तो वाटसन जी आए, उन्होंने कहा भाई देखो ये पैंपोलॉजी ने बोला था कि मन का है, उसके बाद जो विलियम बुंटर बोला था वो चेतना का बोला था। ठीक है, तो जो अब बात आ रही है वो जेबी वाटसन, वो व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, तो हमारे ये वाटसन जी हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई ये देखो मन नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखती, चेतना नहीं दिखती, ये तो हमारे व्यवहार का विज्ञान है भाई, हम किसी के व्यवहार को देख के ही तो पता लगाएंगे कि इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है। आप कि आपको कोई बीमारी है आपको, ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको तुरंत दवाई नहीं देगा, वो पहले तो कहेगा भाई अपना टेस्ट वगैरह कराओ, टेस्ट करा के वो देखेगा कि आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है, फिर उतनी ही डोज आपको दे देगा।
और ऐसे ही साइकोलॉजी है कि हम बच्चों को देखेंगे कि भाई इसको कितने हमारे प्रयास की आवश्यकता है, कितना हम इसको दे सकते हैं, इसमें कितनी कमी है। ठीक है, तो जो आज हमारे मॉडर्न टाइम में चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिलोसफी से। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि उत्पत्ति साइकोलॉजी कहाँ से हुई? फिलोसफी वर्ड से, दर्शन शास्त्र से। फिर मनोविज्ञान सबसे पहले किसने दिया? रूडोल्फ गोलकाय ने। साइकोलॉजी बुक थी उनकी 1590 में। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि साइकोलॉजी जो वर्ड बना है वो किस शब्दों से मिलकर बना है? तो गैरिट महोदय थे, वो भी साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा, पहले देखो आप एक चीज और नोटिस करना, साइकोलॉजी में आगे आगे जितने भी आप वर्ड पढ़ोगे वो मैक्सिमम ग्रीक या लैटिन भाषा से होंगे। क्यों है ये? क्योंकि पहले आप यूरोप में अगर देखते होंगे तो इनका राज था, रोमन साम्राज्य, यूनानी, इनका एक बहुत अच्छा साम्राज्य था, तो इनके ही देखो अल्फा बीटा गामा थीटा ये भी सारे चीज उनके ही हैं, ये जितने अक्षर हैं वहीं से बन के आ रहे हैं, तो उत्पत्ति वहीं से है इन चीजों की। तो साइकोलॉजी वर्ड है उसकी उत्पत्ति भी ग्रीक वर्ड से हुई है, साइकी प्लस लोगस दो वर्ड हैं जिनका मतलब है आत्मा प्लस अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन, तो उसे इसी पर्पस में ही अरस्तु ने उनको आत्मा का अध्ययन बोला था। ठीक है, तो देखते हैं सारे तथ्य आपको मिलेंगे और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सारी थ्योरी जो जो कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं साइकोलॉजी के बारे में, वो उसके लिए मैं आपके एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा, मनोविज्ञान की जननी है भाई, उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फिलोसफी से। ठीक है, तो फिलोसफी मनोविज्ञान की जननी है, ये क्वेश्चन आप याद रखना। अच्छा, रूडोल्फ गोलकाय, मैंने इनके बारे में आपको बताया, रूडोल्फ गोलकाय जो है साइकोलॉजी बुक थी 1590 में उन्होंने इसके बारे में बोला था। गैरिट महोदय ने कहा था साइकोलॉजी दो शब्दों से उन्होंने बनाया था, ग्रीक वर्ड थे, साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है और ये साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन ये है साइकोलॉजी। फिर सबसे पहले हमने बताया 16वीं सदी में अरस्तु जी ने क्या कहा कि साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। इनके वो कहा गए थे यूनान के थे, इनके समर्थन कौन करते थे? प्लेटो। 17वीं शताब्दी आई, लोगों ने कहा भाई ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। कहने वाले थे पैंपोलॉजी, कहाँ के थे? इटली के। ठीक है, इनके समर्थन में कौन थे? जॉन लॉक, रिचेरी। जॉन लॉक कौन थे? इनके बारे में भी थ्योरी है टबुला रस की, वो कहते हैं कि बच्चे खाली स्लेट है, उसमें तो आप जैसा लिख दोगे वैसा वो काम करेगा। ठीक है, तो इनके बारे में अलग बाद में पढ़ेंगे। फिर 19वीं सदी आई, 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान बताया, किसने बताया? विलियम बुंट। ठीक है, इन्होंने अपनी खुद की एक लैब तैयार की थी, हाँ ये विलियम बुंट ने 1879 में एक लिंपजिंग शहर में, जर्मनी का शहर था, उसमें अपनी एक लैब खोली थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। ठीक, तो इनके सहयोगी कौन कौन थे? विलियम जेम्स सली और विलियम वाइब, जितने भी विलियम हैं सारे के सारे किसमें थे? चेतना के विज्ञान। अगर क्वेश्चन आ जाए चेतना के, इनको छोड़ दें, विलियम बुंट को छोड़ दें, इनके अलावा कोई भी नाम दे दें, विलियम 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 वाले, इनमें याद रखना वो चेतना वाले हैं। 21वीं सदी आई, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहारवादी भी बोलते हैं जेबी वॉटसन को, अमेरिका के थे, बी एफ स्किनर इनके बारे में भी पढ़ेंगे, सी एल हल, ये सारे सारे, ई वी पावला, ये थे व्यवहारवादी। ठीक है, साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिंपजिंग शहर में किसने बनाई थी? विलियम बुंट ने 1879 में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। अच्छा, तो 1880 में जाके साइकोलॉजी को एक विषय का दर्जा मिला, 1880 में जाके, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, विलियम मैकडूगल के बारे में आपको बता दूं कि व्यवहारवादी जो ये हम बता रहे थे जेबी वॉटसन जिन्होंने उनको कॉन्सेप्ट दिया, पर सबसे पहले जो व्यवहार शब्द जो प्रयोग में लाए थे सबसे पहले वो थे विलियम मैकडूगल। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने एक और चीज दी है, 14 मूल प्रवृत्तियां, वो आगे पढ़ेंगे, इसमें वो चीज नहीं है, तो 14 मूल प्रवृत्तियां जो दी है वो भी विलियम मैकडूगल ने ही दी है। ठीक है, और इन्होंने व्यवहार जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले 1908 में किया, और उनकी एक बुक थी जिसमें इनका प्रयोग किया गया था, वो है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1809 में इनकी बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1908 में, तो ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक थी, उनमें इन्होंने दिया था
बिहेवियर सब, ठीक है। अच्छा, अब वुडवर्थ 1948 में, ठीक है, इन्होंने भी साइकोलॉजी के बारे में क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जान लीजिए। इन्होंने कहा, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इज सोल, सोल मीन्स आत्मा, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस, स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सोल। तो वुडवर्थ ने कहा कि पहले तो साइकोलॉजी ने, मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खो दिया, मस्तिष्क खो दिया, उसके बाद अपनी चेतना खो दी, और अभी व्यवहार भी उसी कंडीशन पे पड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, अब ये तो विश्व की बात हो गई, अब इंडिया में साइकोलॉजी किस टाइम आई, कहाँ पे आई, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब इसके इतिहास के बारे में पढ़ रहा हूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंडिया में सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये 1915 में आई थी, ठीक है। उस टाइम जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे, NN सेनगुप्ता, ठीक है, 1915 में NN सेनगुप्ता, और ये वुंट की जो लेबोरेटरी थी, जो प्रयोगशाला थी, वहां से पढ़े हुए थे, वहां से प्रशिक्षण इन्होंने लिया हुआ था। उसके बाद प्रोफेसर गिरीश चंद बोस, ठीक है, इन्होंने 1922 में साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये इसका हमारा इतिहास हो गया कि साइकोलॉजी क्या है। तो अब आप बच्चे को देख के, उसकी मानसिकता को देख के, उसको आराम से पढ़ा सकते हैं, यही साइकोलॉजी है, इसका ही हमें प्रयोग करना है पूरी साइकोलॉजी में, ठीक है। हमारी जो साइकोलॉजी है वो बाल केंद्रित है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने क्या क्या कहा, ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं। अब हम साइकोलॉजी के विकास के बारे में बात करेंगे कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने किस किस तरह से साइकोलॉजी का विकास किया। तो दोस्तों, अभी हमने जाना मनोविज्ञान के बारे में, कि किसी के व्यवहार को जानना, उसकी मानसिक स्थिति को समझना, यही मनोविज्ञान है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा, आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं, ठीक है। तो जो इसकी संरचना जो हुई है हमारी मनोविज्ञान की, वो की थी विलियम वुंट ने, ठीक है। विलियम वुंट 1879 में इन्होंने जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की, पहली प्रयोगशाला, लिपजिंग जो शहर था जर्मनी का, ठीक है। इनके सहयोगी समझ लो टर्नेचर थे, 1892 में इनके साथ जुड़ गए थे। फिर आया उसके बाद प्रकार्यवाद, संरचना के बाद प्रकार्यवाद, इसमें व्यवहार पे काम किया, जो इस पे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने व्यवहार पे काम किया, और वो थे अधिगम मतलब सीखना, उन्होंने किसको सिखाया, बच्चों को। यहाँ पर देखो व्यवहार दो है, व्यवहारवाद में भी व्यवहार है, पर ये व्यवहार यहाँ पे पशुओं का है, ये मनुष्य का है, ठीक है। इसमें क्या था, अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि थी, मतलब अंतर से देखना था कि निरीक्षण कर करके कैसे सीखते हैं बच्चे। एजल इसके संस्थापक थे, और जो विलियम जेम्स जो थे, ये अनौपचारिक संस्थापक थे, पहले ये थे अनौपचारिक, बट जो औपचारिक बने वो एजल थे। एजल इनके सहयोगी थे डीवी, इन्होंने 1900 में ये परीक्षण किए थे, ये अंतर्दर्शन निरीक्षण वाले। इसके बाद आगे हमारा व्यवहारवाद में व्यवहार पे परीक्षण किया पशुओं के पर, ठीक है, ये भी निरीक्षण प्रयोग के द्वारा किया, कि पशुओं का निरीक्षण किया गया कि पशु कैसे सीखते हैं। मैंने आपको बताया था उसमें व्यवहारवाद के जेबी वाटसन थे, उनके सहयोग थे पावलोव। इनका टाइम पीरियड 1912 से 13 था। टाइम पीरियड जरूर याद रखना, ये जरूर याद ना रखना कि व्यवहारवाद किसका है, प्रकार्यवाद किसका है, संरचनावाद किसका है। अच्छा, गैसाल्टवाद, इनको समग्रवादी भी कहते थे, तो इन्होंने प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग ये किया था, अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे मैक्स वर्दीमर, और जो सह संस्थापक थे वो थे कोपफा, ठीक है, और कोहलर और लेविन इनके सहयोगी थे। इनका टाइम पीरियड 1912। अब आ गया हमारा जो आज के टाइम में चल रहा है मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो चल रहा है, अचेतन अवस्था रक्षा निरीक्षण, ये दिया है हमको फ्रायड ने, ठीक है। इसके संस्थापक हैं फ्रायड, एल्डर और जुंग इनके सहपाठी थे, 1900 में इन्होंने दिया। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ऊपर से इनकी डेट याद रखनी है, और ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि संरचनावाद किसने दिया, तो वुंट ऑफ टिनेचर, प्रकार्यवाद किसने दिया, एजल डीवी, व्यवहारवाद किसने दिया, वाटसन पावलोव, गैसाल्ट किसने दिया, मैक्स वर्दीमर ने, कोहलर लेविन कोफा,
मनोविश्लेषण, फ्रायड एल्जर जंग, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर आपने ये देख लिए, एक दो बार इसको देखोगे आपको याद हो जाएंगे, एक नंबर इनमें नहीं कटेगा। तो हमारा ये साइकोलॉजी का जो पहला टॉपिक था अच्छे से ख़त्म हो गया, और आगे के वीडियो भी ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।